Download the Nursing Lecture app and get access to the premium videos, articles, mnemonics, practice test series and chat completely free. Get it from the Play Store. इस लेक्चर में हम समझेंगे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और पिछले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी लोकेशन, इसकी वॉल्स और इसकी कवरिंग के बारे में. सो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम समझेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में और वॉल्स के बारे में कि कौन कौन से वॉल्स होते हैं इसमें. तो हार्ट के अंदर फोर चैम्बर्स होते हैं. दो पेयर सुपीरियर चैम्बर्स जो होते हैं इन्हें एट्रियम कहते हैं, एट्रियास, दैट इज द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम. और ये जो चैम्बर्स होते हैं ये रिसीविंग चैम्बर कहलाते हैं क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करते हैं थ्रू द वेसल्स. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो वेसल्स हैं वो इसमें ब्लड को क्या कर रही है, इजेक्ट कर रही हैं. और इन्फीरियरली जो दो चैम्बर्स होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल्स. ये भी पेयर्ड होते हैं राइट और लेफ्ट. और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये पंपिंग चैम्बर्स कहलाते हैं क्योंकि ये ब्लड को इजेक्ट करके वेसल्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, वेसल्स के अंदर इजेक्ट करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड पंपिंग चैम्बर्स. यहाँ पर हार्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे हम देखेंगे एट्रियम राइट एज वेल एज लेफ्ट के अंदर क्या होता है, एक एक्सटेंडेड रीजन होता है जो कि रिंकल्ड, यानी उसके अंदर कई सिकुड़ी हुई रेखाएं होती हैं. और ये जो एक्सटेंडेड रीजन होता है जो कि दोनों एट्रियम से लगा हुआ रहता है इसे कहते हैं ऑरिकल. और ये ऑरिकल डॉग्स ईयर यानी कुत्ते के कान नुमा संरचना होती है और ये एट्रियास की सरफेस एरिया को और बढ़ाने का काम करती है जिसके कारण जो ब्लड है वेसल्स के ज़रिए जो एट्रियम में एंटर कर रहा है उसके लिए एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर है राइट ऑरिकल जो कि राइट एट्रियम से अटैच है और इसमें लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए हेल्पफुल है. और उसी तरीके से यहाँ पर है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के साथ में है लेफ्ट ऑरिकल. इसी के साथ में हार्ट की सरफेस पे कई ग्रूव्स, कई डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, कई धसी हुई रेखाएं होती हैं. और ये जो डिप्रेशंस हैं और जो ग्रूव्स हैं इन्हें कहते हैं सल्काइस, जिनमें से एक है कोरोनरी सल्कस. तो कोरोनरी सल्कस जो होता है ये एक तरीके से एक्सटर्नल बाउंड्री बनाता है, यानी बाहर से देख के आप समझ सकते हैं कि इस रेखा से ऊपर, इस डिप्रेशन से ऊपर एट्रियम है और इस डिप्रेशन से नीचे वेंट्रिकल है. सो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिप्रेशन होता है जो कि ऑल टुगेदर हार्ट की सरफेस पर रन करता है ये डिप्रेशन कहलाता है कोरोनरी सल्कस. तो यहाँ पे इसी कोरोनरी सल्कस के अलोंग क्या रन करती हैं, कई ब्लड वेसल्स. और ये एक एक्सटर्नल बाउंड्री क्रिएट करता है बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल जो कि ऑल अलोंग दी हार्ट की सरफेस पे प्रेजेंट होता है. और इस होल कोरोनरी सल्कस के ऊपर क्या रन करती हैं, ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट की वॉल को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं. उसी की तरह एक और सल्कस और एक और डिप्रेशन होता है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. और ये जो सल्कस होता है इसमें भी अगेन क्या होता है, कई ब्लड वेसल्स इसके अलॉन्ग क्या करती है, रन करती हैं. और ये सल्कस कहलाता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. एंटीरियर इसलिए क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, इंटरवेंट्रिकुलर क्योंकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है यानी राइट और लेफ्ट. सो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. और ये सल्कस जब पोस्टीरियरली रन करता है और पोस्टीरियरली लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में रन करता है और वहाँ पर भी कई ब्लड वेसल्स जो है वो इस सल्कस से गुजरती है, तो यहाँ पे जो सल्काई है इसे पोस्टीरियरली क्या कहा जाता है, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस. सो यहाँ पे इस ग्रुप को आप देख सकते हैं पोस्टीरियरली और आगे की ओर है एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस. अब यहाँ पे हम इस क्रॉस सेक्शन के जरिए चैम्बर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे. सो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एट्रियम के बारे में. राइट एट्रियम जो होता है ये राइट सरफेस बनाता है हार्ट का जिसकी थिकनेस 2 से 3 mm होती है.
और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राइट एट्रियम के साथ में जो ईयर लाइक एक्सटेंशन होता है वो क्या कहलाता है, राइट ऑरिकल। और इंटरनली इस एट्रियम के अंदर आप देख सकते हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर सरफेस। सो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ये ज़्यादा स्मूथ होती है, और इसकी जो एंटीरियर सरफेस है ये रफ होती है, बिकॉज़ यहाँ पे कई कार्डियक मसल फाइबर्स बंडल उभरे हुए रहते हैं, और इन उभरे हुए कार्डियक मसल फाइबर्स को क्या कहते हैं यहाँ पे, पैक्टिनेट मसल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैक्टिनेट मसल्स जो कि एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं एट्रियम की, और ये पैक्टिनेट मसल ऑरिकल जो कि इसी साइड में है राइट साइड में, उसके साथ भी एक्सटेंडेड रहते हैं, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स के जरिए इस एट्रियम में आता है और इन्हीं पैक्टिनेट मसल्स के जरिए एट्रियम की जो कैपेसिटी है ब्लड को अकोमोडेट करने की वो बढ़ जाती है। और राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड को लेके आती है ये थ्री वेन्स कौन सी होती हैं, सुपीरियर वीना केवा, दिस वन, इन्फीरियर वीना केवा और कोरोनरी साइनस। सो थ्री वेन्स हैं, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। ये तीनों वेन्स राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। नाउ दोनों एट्रियम दैट इज राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक थिन पार्टीशन होता है, और इस थिन पार्टीशन को यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। और इस इंटर एट्रियल सेप्टम में एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, एक ओवल डिप्रेशन होता है, और यहाँ पे ये ओवल डिप्रेशन फोसा ओवैलिस कहलाता है। और ये फोसा ओवैलिस एक जो ओपनिंग होती है यानी ड्यूरिंग फिटल लाइफ दोनों एट्रियास के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल, उसी का रेमिनेंट पार्ट होता है, क्योंकि फीटल लाइफ में यहाँ पे प्रेजेंट एक ओपनिंग फोरामेन ओवेल के जरिए ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर इजीली मूव कर जाता है, लेकिन आफ्टर द बर्थ ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे ये क्लोज ओपनिंग क्या कहलाती है, एक डिप्रेशन के रूप में बन जाती है जिसे यहाँ पे कहते हैं फोसा ओवैलस। नाउ राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल की ओर मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए बीच में एक वॉल्व गार्ड करता है, और ये जो वॉल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें थ्री कस्प होता है, यहाँ देख सकते हैं थ्री कस्प। सो ये जो थ्री कस्प हैं इनका राउंडेड एरिया वेंट्रिकल्स की ओर प्रोजेक्ट होता है, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एवी वॉल्व भी कहलाते हैं, दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द एट्रियम और द वेंट्रिकल। सो इसे कहते हैं राइट एवी वॉल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को गार्ड करते हैं, जब भी एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसी हायर प्रेशर के साथ में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, और ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ मूव कर जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसी के साथ में जो राइट एवी वॉल्व है ये ओपन हो रहा है, और ब्लड यहाँ पे इन रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नाउ अब दूसरा चैम्बर है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की थिकनेस 4 to 5 mm होती है, और हार्ट के अंदर ये राइट वेंट्रिकल एंटीरियर सरफेस को बनाता है। राइट वेंट्रिकल के इंटरनली कई कार्डियक मसल फाइबर्स के रेज्ड बंडल्स होते हैं, और इन रेज्ड बंडल्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रैबेक्यूल कार्नियाई। सो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैबेक्यूल कार्नियाई, और कुछ ट्रैबेक्यूल कार्नियाई जो है ये कोन शेप एलिवेशन में दिखाई देते हैं, और इन कोन शेप ट्रैबेक्यूल कार्नियाई को पैपलरी मसल्स कहते हैं, और इन्हीं पैपलरी मसल्स से टेंडन लाइक कॉर्ड्स जिन्हें कि यहाँ पे बोलते हैं कॉर्डे टेंडनई। सो ये पैपलरी मसल्स इन कॉर्डे टेंडनई के जरिए इन वॉल्व से अटैच रहते हैं, और यहाँ पे जो ये वॉल्व है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो यहाँ पे जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, कॉर्डे टेंडनई। और दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो डिविजन और जो पार्टीशन होता है
इस पार्टीशन को यहाँ पे कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटर मीन्स इन बिटवीन टू वेंट्रिकल्स और सेप्टम इज अ डिविजन जो कि दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है ताकि दोनों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट जो ब्लड है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहे. राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये ब्लड फाइनली कहाँ इजेक्ट होता है, थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व. ये एंटर करता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. सो पल्मोनरी वॉल्व एक एसएल वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को किस में इजेक्ट करता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर. तो यहाँ पे इस एनिमेशन में हम देखेंगे कि जो ब्लड है ये ब्लड जब एट्रियम में आता है तो एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए राइट वेंट्रिकल के अंदर इजेक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी वॉल ये एंटर करता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जहाँ पे ये दो आर्टरीज दैट इज राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये डिवाइड हो जाता है और यहाँ से ये ब्लड लंग्स के अंदर सप्लाई होता है. तो राइट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ एंटर करता है, लंग्स के अंदर. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर आता है वो है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम भी राइट एट्रियम की तरह रिसीविंग चैम्बर होता है जो कि फोर पल्मोनरी वेंस के जरिए ब्लड को रिसीव करता है और ये पल्मोनरी वेंस लंग्स से ब्लड को ड्रेन करती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर. और राइट एट्रियम की तरह इसकी थिकनेस भी 2 से 3 mm होती है लेकिन इसके अंदर जो वॉल होती है ये स्लाइटली राइट साइड से डिफरेंट होती है क्योंकि हमने राइट के अंदर देखा था राइट एट्रियम के अंदर पोस्टीरियर वॉल कैसी होती है, स्मूथ, और जो एंटीरियर वॉल होती है ये रफ होती है क्योंकि इसमें पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो दोनों वॉल्स होती हैं पोस्टीरियर और एंटीरियर ये दोनों ही कैसी हैं, स्मूथ हैं. तो इसके अंदर भी पेक्टिनेट मसल्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन ये पेक्टिनेट मसल्स ओनली. यहाँ पे भी जो एक्सटेंडेड रीजन होता है जिसे ऑरिकल कहते हैं उसी में अटैच होती है वेरजन एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल इसकी क्या होती है, स्मूथ होती है. और यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है ये फाइनली एक दूसरे वॉल्व के जरिए जिसे यहाँ पे बोलते हैं माइट्रल वॉल्व, इस माइट्रल वॉल के जरिए गार्ड होता है और ये जो ब्लड है इस लेफ्ट एट्रियम से गुजरता हुआ कहाँ पे एंटर कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. किसके जरिए, माइट्रल वॉल्व के जरिए. और इसका दूसरा नाम है लेफ्ट एवी वॉल्व, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्योंकि ये भी एट्रियास और वेंट्रिकल के बीच में आता है लेफ्ट साइड. सो इसे कहते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व और दूसरा इसे कहते हैं माइट्रल वॉल्व बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें दो कस्प होते हैं, देख सकते हो आप. और ये जो दो कस्प हैं ये बिशप्स के हैट के नुमा स्ट्रक्चर होता है. सो इसे कहते हैं माइट्रल वॉल्व और ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना होता है लाइक द ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर 3 cusps हैं, देख सकते हो आप. और बाइकस्पिड वॉल्व भी इसे कहते हैं और माइट्रल वॉल्व जो है ये बाइकस्पिड वॉल्व है क्योंकि इसमें ओनली 2 cusps हैं. सो यहाँ पे जो वॉल्व हैं उसके 3 names हैं, माइट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एवी वॉल्व. और जो राइट साइड है इसे कहते हैं राइट एवी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि इसमें कितने कस्प हैं, 3 cusps. अब हम देखेंगे सबसे आखिरी चैम्बर के बारे में जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हार्ट के अंदर अपेक्स और पॉइंटेड रीजन बनाता है. सो अपेक्स पार्ट जो है वो वेंट्रिकल से बनता है लेकिन मेजरली कौन से रीजन से, लेफ्ट वेंट्रिकल से. सो यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि पॉइंटेड पार्ट बनाता है हार्ट के अंदर. लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है ये बाकी चारों चैम्बर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती हैं, 10 से 15 mm क्योंकि इसका जो वर्कलोड है ये सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि इसी पंपिंग चैम्बर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके ज़रिए जो ब्लड है ये फाइनली वेसल्स के ज़रिए इजेक्ट होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. सो इस वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड को इजेक्ट करना होता है इसलिए इस की वॉल जो है ये सबसे ज़्यादा थिक होती है. और इस चैम्बर में भी राइट वेंट्रिकल की तरह जो रेज्ड कार्डिक मसल फाइबर्स होते हैं इन्हें
ट्रैबेक्यूले कार्ने कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ ट्रैबेक्यूले कार्ने जो कि कोन शेप मैनर में होते हैं इन्हें पैपुलरी मसल कहते हैं, और ये पैपुलरी मसल अगेन टेंडन लाइक कॉर्ड जिन्हें कॉर्डे टेंडन ही कहते हैं उनके साथ अटैच होती हैं। ये कॉर्डे टेंडन ही माइट्रल वॉल यानी जो बाइकस्पिड वॉल है उसके साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। और इन कस का भी जो राउंडेड एरिया है वो वेंट्रिकल्स की ओर फेस करता है। तो जब एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स की ओर इजेक्ट होता है तो ये जो माइट्रल वॉल्व है ये ओपन रहता है, और उस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाता है तो उसी के साथ में इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और इसी हायर प्रेशर के साथ में माइट्रल वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो दूसरे वॉल्व हैं यानी जो एसएल वॉल्व हैं यानी जो सेमी ल्यूनार वॉल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड जो है वो फाइनली कहाँ एंटर कर जाता है, इस एओर्टिक वॉल्व के अंदर, और एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाता है और इस वॉल्व के ज़रिए फाइनली ब्लड एंटर करता है एक दूसरी वेसल के अंदर जिसे बोलते हैं एओर्टा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फाइनली कौन सी वेसल के अंदर इजेक्ट होता है, एओर्टा के अंदर, और इस वेसल के अंदर गार्ड करने के लिए जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एओर्टिक वॉल्व, जिसमें 3 कस्प होते हैं, और ये जो 3 कस्प हैं ये एसएल वॉल्व कहलाते हैं, सेमी ल्यूनार हाफ मून शेप स्ट्रक्चर। तो एओर्टा में मूव करने के बाद ब्लड एक स्मॉल ब्रांच के जरिए कोरोनरी आर्टरी के जरिए हार्ट की वॉल को सप्लाई करता है, और मेजरली जो ब्लड है ये एओर्टा के जरिए जिसे एसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, एसेंडिंग एओर्टा से होता हुआ आर्क ऑफ एओर्टा और आर्क ऑफ एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा की ओर मूव करता है, और डिसेंडिंग एओर्टा के बाद में ये पूरी बॉडी के अंदर इस ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करता है विद द वेरियस ब्रांचेस। फीटल लाइफ के दौरान पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में एक टेम्पररी ओपनिंग होती है, और ये टेम्पररी ब्लड वेसल की जो ओपनिंग होती है इसे यहाँ पे फीटल लाइफ में डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं, और उस डक्टस आर्टेरियोसिस के ज़रिए जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से होकर गुजरता है ये मेजरली वापस किस में एंटर कर जाता है, एओर्टा में, और कुछ ही जो ब्लड है वो नॉन फंक्शनल लंग्स तक पहुँचता है। लेकिन आफ्टर द बर्थ ये जो टेम्पररी ब्लड वेसल ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे जो रेमिनेंट बनता है जो लिगामेंट है उसे क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो यहाँ पे है जो कि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड को डायरेक्टली एओर्टा में शंट करने के लिए हेल्प करता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, लेकिन आफ्टर द बर्थ ये क्या हो जाती है, क्लोज, और क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो यहाँ पे हमने हार्ट की 4 चैम्बर्स के बारे में देखा, जिसमें दोनों एट्रियम की जो थिकनेस होती हैं ये दोनों सेम होती हैं, क्योंकि इन दोनों एट्रियम्स को ब्लड कहाँ पे इजेक्ट करना होता है, इन द वेंट्रिकल्स। लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स की थिकनेस एट्रियम की कंपैरिजन में क्या होती हैं, ज़्यादा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा थिकनेस किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको हायर प्रेशर के साथ में ब्लड को ब्लड वेसल्स के ज़रिए होल ऑफ द बॉडी में सप्लाई करना होता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल को ओनली जो ब्लड है ये वेसल यानी पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स तक पहुंचाना होता है, जो कि इसके कंपैरिजन में क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है इन सारे चैम्बर के कंपैरिजन में। और दूसरा हमने देखा वॉल्स के बारे में कि किस तरीके से प्रेशर चेंज के कारण ये वॉल्स ओपन और क्लोज होते हैं, और जब एट्रियास का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसी के साथ में वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को रिसीव करते हैं, और उस कंडीशन में जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाता है और जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस प्रेशर इंक्रीज़ के साथ में एवी वॉल्व क्या हो रहे हैं, क्लोज, यहाँ पे एवी वॉल्व, और इसी हायर प्रेशर के साथ में जो एसएल वॉल्स हैं यानी जो सेमी ल्यूनार वॉल्स हैं दैट इज़ एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, ये क्या हो रहे हैं, ओपन।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये SL वॉल्व हैं इनकी कस्प इन आर्टेरियल वॉल के साथ अटैच है, सो यहाँ पे इनके मार्जिन्स जो है वो इससे अटैच्ड है। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स जाते हैं तो ब्लड जो है ये बैक फ्लो करता है थ्रू दीज वेसल्स, लेकिन ये बैक फ्लोइंग इस वेंट्रिकल्स में प्रिवेंट करते हैं ये SL वॉल्स, और ये फ्री मार्जिन्स जो हैं ये आपस में क्लोज हो जाती हैं और इस बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर के ज़रिए हमने हार्ट की 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स के बारे में, और 4 वॉल्स, 2 AV वॉल्व और 2 SL वॉल्व, इसके बारे में समझा। थैंक यू।